यार क्या कह रहे हो, वन क्लिक में इतने एच डी आर तरीके से भी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं जिससे आप लोग का एक के भाई लेकर आ चुका है आप लोग का डिमांड क्या है। ठीक है यार, वन क्लिक में इतने एच डी आर तरीके से फेस सीबी एडिटिंग आप लोग किस सबसे इतना हार्ड तरीके से कर पाएंगे। तो सिंपली आज करना क्या होगा, मेरे साथ वीडियो में बन रहिएगा तो वन क्लिक में सीबी फोटो एडिटिंग इस तरफ से करना जान जाएंगे। कुछ आप लोग का फोटो इतना घटिया सा होगा तो इतना हार्ड तरीके से आप लोग भी करना जान जाएंगे। सीबी एडिटिंग करने के लिए भाई क्या कर रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बन रहेगा। ठीक है ना, मेरे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनली गाइस, पहले तो आप लोग को नॉर्मल पहले फोटो कैन ले लेना है। देख सकते कितना बेकार तरीके से मेरा फोटो दिख रहा है। सिंपली मैं पहले फोटो कैन शेयर कर करूँगा किस वाले एप्लीकेशन के अंदर। पहले फोटो मैं शेयर करता हूँ स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। शेयर करना सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना यहाँ पे इस तरह करके फोटो पर अवॉइड करके इन फोटो को आप सेव करता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग भी सिलेक्ट कर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करके फोटो को आप इतना आगे करके फोटो को सेव करता हूँ। सेव कर मैं फिर से यहाँ से फोटो के यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। एंड फिर इसमें फोटो शेयर कर लटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एंड इसमें शेयर करने के बाद मैं लटरूम एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद जान वन क्लिक में आप लोग पहले फोटो को कॉपी पेस्ट करेंगे। सिंपली एंड आप लोग फोटो प्रीसेट पर क्लिक करेंगे, प्रीसेट पर क्लिक कर थ्री डी पर क्लिक कर देंगे। थ्री डी पर क्लिक इस पर क्लिक करके इसको भर लेना है। एंड इसके ऊपर जो फोटो का कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं सिंपल उस फोटो को लेकर थ्री डी पर क्लिक करके एंड लास्ट वाले पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दिया आप लोग इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो आप लोग फिर सेट नहीं होगा। मैं वीडियो में बताया हूँ कहाँ से आप लोग वन क्लिक में फिर सेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है यार, मैं नीचे जाइएगा तो मेरा वीडियो तो दिखेगा, उसी में से आप लोग भी मेरा चाहे आडियंस वगैरह किसी का भी फिर सेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे तरीके से फोटो को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कॉपी पेस्ट करते समय आप लोग फिर से यहाँ से आप लोग फिर से आप लोग यहाँ से फोटो को शेयर कर लेना होगा। ठीक है यार, मैं यहाँ फोटो का शेयर कर लेता हूँ। फिर मैं फोटो को शेयर करता हूँ पिकअप एप्लीकेशन के अंदर। एंड इसमें शेयर करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ किस तरह एच डी आर में कपड़े को बनाते हैं, उसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। सिंपल तरीके से बैकग्राउंड को भी किस तरह बदलते हैं वो आप लोग मैं दिखा रहा हूँ। सिंपल इस पर क्लिक करके कलर पर जाएंगे, कलर पर नहीं भाई इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इस पर क्लिक करते आप लोग ने सर्च करेगा तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कलर पर इस तरह कर देंगे, इस तरह से कर लेंगे, इस तरह करके आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ इतने प्रकार के फोटो को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अलग से आप लोग बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। आई मीन इतना हो जाने के बाद आप लोग जो पीएनजी वगैरह लगाना चाहते हैं सिंपल तरीके उस वाली पीएनजी वगैरह आप लोग ले लीजिए। मैं लेकर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले आप लोग देख सकते हैं मैं तीन पीएनजी वगैरह लिया हूँ। ठीक है यार, मैं इसको मैं इसकी सबसे लगाऊंगा। सिंपल एंड इस पर आप लोग आ जाएंगे। एंड आने में कैंसिल पर क्लिक करें, एंड कैंसिल पर क्लिक इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इस पर क्लिक कर पूरा इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। आई सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से काट लेंगे। ठीक है यार, सेम प्रोसेस आप लोग भी मेरे तरफ कर लीजिएगा एंड इस तरफ से काट लेंगे। ठीक है, एंड काटने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करके आप लोग इस तरह अच्छे तरीके से लगा लेना है यहाँ पे। एंड यहाँ से लगा को ऑप्शिटी के यहाँ से कम करके लगाने देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद सिंपल लाइट को मैं अपने हेयर के हिसाब से लगाता हूँ। इस पर क्लिक करके इस लेवल पर क्लिक करूँगा, ऑप्शिटी के यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। फिटिंग में इतने करके और लगा देता है लाइट को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा, दो करना चाहते हैं मैं इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड इससे आप लोग यहाँ से दो कर लिया फोटो को आप लोग सेव कर लेंगे। सेव करने में आप लोग दिखाता रहता हूँ एच डी में किस तरफ से आप लोग बनाएंगे कपड़े को, भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सिंपल है, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते आप लोग इस पर क्लिक करना है, यानी पहले वाली का आप लोग को ले लेना। एंड पहले वाली के लेने से मैं आप लोग इतना सर्च करेगा तो आप लोग फेस बहुत बेकार तरीके से दिखने लगेगा। यानी इस पर क्लिक कर देंगे, तीस वाले पर क्लिक कर देंगे। पहले आप लोग कपड़े पर कलर ले लीजिएगा, तभी इस वाली ट्रिक को आप लोग इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। तब इतना हो जाने के बाद आप लोग हेयर के किस तरह से बड़ा करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको पूरा सौ क्लिक कर देंगे। इसको सौ करके इस तरह से बड़ा कर लेंगे। बारह करने के बाद फोटो को आप सेव कर लेंगे। आप फोटो को सेव कर लेंगे यहाँ बैकग्राउंड तीस हज़ार से दो करेंगे। सिंपल एंड इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इस पर क्लिक कर देना है तो इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पर आने के बाद इस पर क्लिक करके फोटो वाले को ले लेंगे। फोटो वाले को लेकर इसे ऑप्शन क्लिक कम करके पूरा फोटो को सेव कर लेना। अब इंस्टाग्राम आप लोग पोस्ट करेंगे तो आप लोग का फोटो थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीके आप लोग बच गया फोटो को एच डी में स्मूथ करना। तो सिंपल तरीके से आप लोग जाकर पेंसिल एप्लीकेशन के अंदर फोटो का आप लोग स्कैन करना। ठीक है, तो आप लोग फोन कीजिएगा तो मैं फिर से एंड पी एन जी वगैरह आप लोगों को मैं दे दूँगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके आप लोग फोटो की जो सेव करेंगे सिंपली एंड इस पर क्लिक करें, थ्री डी पर क्लिक करें। थ्री डी पर क्लिक करते आप लोग यहाँ से फोटो को सेव करें तो आप लोग को फोटो थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा भी मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसी तरह प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट टू सपोर्ट एंड जाए सीधी बाबा।